अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 7 का नाम है सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप जो है अपने पास नोट्स खोल लें ताकि आपके पास जो भी मेन हेडिंग्स हों और जो भी डेफिनेशंस हों वो आप उनको जो है आराम से पढ़ सकें। सबसे पहले देखें, हम पढ़ लेते हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन आमतौर पर आपको पता है सॉल्यूशन ये डेली लाइफ के अंदर होने यूज़ होने वाली चीज़ है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने पानी लिया, पानी के अंदर शुगर को आपने डिसॉल्व किया, तो जब शुगर आपके डिसॉल्व हो जाएगी तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है? अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन सब्सटेंसेस, यानी आपके पास दो सब्सटेंसेज हैं और उन दो सब्सटेंसेज को आपने क्या किया, डिसॉल्व करवाया है। आपने उनको डिसॉल्व करवाने का मतलब ये है कि जो पानी है, पानी में आप चीनी को लेंगे तो चीनी को जब आप डिसॉल्व करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपके पास गायब हो जाएगी। अब ये जो आपका सॉल्यूशन बना है इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन इसकी है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कॉम्पोनेंट, यानी एक ऐसा मिक्सर जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें, दो कॉम्पोनेंट आपके पास मौजूद हों और वो कॉम्पोनेंट आपके पास क्या है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अब सबसे पहले याद रखें सॉल्यूट क्या है। सॉल्यूट के बारे में याद रखें, सॉल्यूट वो चीज़ होती है, वो कॉम्पोनेंट होता है जो आपका स्मॉलर अमाउंट में आपका मौजूद होता है। अब देखें कॉम्पोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन है, कॉम्पोनेंट ऑफ सॉल्यूशन में देखें हमारे पास जो है वो सॉल्यूट, सॉल्यूट वो चीज़ है जो आपका कम मिकदार के अंदर मौजूद है, और सॉल्वेंट वो है जो आपका लार्जर अमाउंट के अंदर आपके पास जो है वो मौजूद है। अब इसको पढ़ने के बाद अब हम आते हैं अपने होमोजेनियस मिक्सचर की तरफ। अब आपको ये पता लग गया सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक आपको चाहिए सॉल्यूट और दूसरा चाहिए आपको सॉल्वेंट। ठीक है, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब भी आपके पास होंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब सबसे पहले इस वर्ड को देखिए होमोजेनियस को। होमोजेनियस का मतलब ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर आपने पानी लिया, पानी में आपने नमक को डिसॉल्व करवाया, जब पानी में आपने नमक को डिसॉल्व करवाया, जब नमक डिसॉल्व हो जाएगा तो आप पानी कहीं से भी लें तो पानी के अंदर जो उसका जायका होगा वो कहीं से भी ले लें वो आपका क्या होगा, सेम होगा, उसके जायके में कोई फ़र्क नहीं होगा। इसको हम कहते हैं होमोजेनियस, यानी कहीं से भी आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करवाने के बाद सॉल्वेंट में आप उसको कहीं से भी ले लें तो उसकी जो भी अमाउंट होगी वो हर जगह से क्या होगी, सेम होगी। इसको हम कहते हैं होमोजेनियस कहते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर सपोज़ हमारे पास बहुत सारी पल्सीज हैं, दालें, आपने चार किस्म की दालें ले ली, उन सबको आपने क्या कर दिया, मिक्स ले कर लिया। अब जब आपने उसको मिक्स किया तो अब जब आप उसमें से थोड़ी सी अमाउंट लेंगे तो अब ऐसा नहीं होगा कि पहली दफ़ा में आपके पास ऐसा हो कि अगर कुछ अमाउंट येलो पल्स की आई है या दूसरी पल्स की आई है और तीसरी पल्स की, वो सारी की सारी सेम हो। पहली दफ़ा में हो सकता है कोई ज़्यादा होगी, जब दूसरी दफ़ा आप लेंगे तो दूसरी दफ़ा में क्या होगा, दूसरी मिकदार ज़्यादा होगी, यानी पीली जो दाल है वो ज़्यादा होगी। तीसरी दफ़ा लेंगे तो हो सकता है कि जो पीली वाली दाल है वो आपके पास क्या हो, वो कम मिकदार में हो। तो इसको हम कहते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले याद रखें सॉल्यूशन हमारे पास होता है जिसमें अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस, यानी उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपके पास क्या हो, मौजूद हों, और वो चीज़ें आपके पास क्या हों, इस तरह से मौजूद हों कि जब भी आप उसमें से थोड़ी सी मिकदार लें सॉल्यूशन की तो उसके अंदर जो जायका हो, यानी उसकी जो कॉम्पोनेंट की अमाउंट हो, वो कभी भी चेंज ना हो। यानी अगर आपने शरबत लिया है, रूह अफ़ज़ा का शरबत लिया है, तो आप रूह अफ़ज़ा का शरबत कहीं से भी ले लें तो उसका जो जायका होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ ली है। अब देखें ये आपके नोट्स में, आप चैप्टर नंबर 7 के नोट्स में पेज नंबर 1 के ऊपर ये तमाम चीज़ें आपको लिखी हुई हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपके पास कितने किस्म के, जो आपके पास सॉल्यूशन है वो कितने किस्म के मौजूद हैं। सबसे पहले याद रखें हमारे पास जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में जो पहली टाइप है, जो पहली टाइप हमारे पास मौजूद है पहली टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास जो है, हम सबसे पहले ले रहे हैं किसको, गैस को। अब देखें गैस, अब इसमें देखें जब हम गैस का सॉल्यूशन बनाएंगे तो देखें इसके अंदर एक होगा सॉल्यूट और दूसरा हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट। अब सबसे पहले एग्जांपल देखें, सबसे पहले देखें जैसे मिसाल के तौर पर पहली जो एग्जांपल है अपने नोट्स में देखें, पहली एग्जांपल आपको नजर आ रही है गैस गैस सॉल्यूशन की। गैस गैस सॉल्यूशन का मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर मौजूद है उस एयर के अंदर 78% जो है वो आपका नाइट्रोजन मौजूद है, 21% जो है वो आपके पास एयर है और बाकी दूसरी गैसेज भी उसके अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एयर मौजूद है, एयर एक सॉल्यूशन है
और उस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास दो कंपोनेंट हैं, जिसमें से एक आपके पास जो है वो दो से ज़्यादा कंपोनेंट है, एक आपके पास जो है वो एयर है, यानी एयर में एक तो आपके पास ऑक्सीजन है और दूसरा जो कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन है, और इसी तरह से और भी दूसरी जो गैसेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत ट्रेसिस अमाउंट के अंदर वो भी मौजूद है। अब इसके अंदर देखें जो ज़्यादा मिकदार में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन हमारा इसके अंदर सॉल्वेंट है, और हमारे पास जो ऑक्सीजन है जो आपके पास तकरीबन 21% मौजूद है वो आपका जो है सॉल्यूट है। इसका मतलब अब गैस के अंदर हमारे पास जो है वो दो टाइप हो गई, गैस के जो पहला सॉल्यूशन है उसके अंदर जो सॉल्यूट है सॉल्यूट भी गैस है, और दूसरा आपके पास क्या है सॉल्वेंट भी उसके अंदर क्या है गैस है। ये पहली एग्जाम्पल है। अब दूसरी एग्जाम्पल देखें जिसके अंदर आपके पास जो दूसरी एग्जाम्पल है, दूसरी एग्जाम्पल में देखें नोट्स के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स। अब आमतौर पर आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर आपके पास जो सॉल्यूशन होता है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास पेप्सी है या कोल्ड ड्रिंक कोई मौजूद है, तो उसके अंदर एक लिक्विड है और लिक्विड के अंदर क्या किया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड को और कार्बोनेट को क्या किया हुआ कंप्रेस करवाया हुआ है। तो अब इसमें देखें हमारा जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट इसके अंदर हमारा गैस है, और इसके बाद हमारे पास जो लिक्विड है वो हमारा क्या सॉल्वेंट है। तो अब इस एग्जांपल में आपको नजर आएगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमारा क्या है लिक्विड है, और गैस हमारे पास क्या है सॉल्यूट है। अब इसके बाद थर्ड एग्जांपल देख लें, जैसे थर्ड एग्जांपल है हमारे पास गैस एंड सॉलिड। अब गैस एंड सॉलिड के अंदर जो एग्जांपल है आमतौर पर आपने देखा होगा कि हमारे पास जो बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप इथीन को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। अब जब हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो कैटलिस्ट होता है वो जो हमारा कैटलिस्ट है वो हमारा सॉलिड है, और इसी तरह से जो हाइड्रोजन की, जैसे अगर फर्ज करें हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन में आपको नजर आएगा कि उसके अंदर एक कैटलिस्ट मौजूद है। वो कैटलिस्ट अब इसमें देखें, एक आपके पास जो है वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद है और दूसरा हमारे पास जो है वो किस फॉर्म में मौजूद है गैस फॉर्म में मौजूद है। अब इसमें देखें होता ये है कि आपके पास जो हाइड्रोजन गैस होती है वो आमतौर पर जाकर जो आपके जो भी कैटलिस्ट होते हैं उनकी सरफेस पे जाके क्या हो जाती है एड्सॉर्ब हो जाती है। तो ये एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो एक जो चीज़ है वो आपका किसके अंदर है सॉलिड फॉर्म में मौजूद है और दूसरा हमारे पास क्या गैस की फॉर्म में मौजूद है। तो दूसरी एग्जाम्पल में हमको नजर आया कि हाइड्रोजन जो है वो आपका सॉल्यूट है और जो आपका कैटलिस्ट है वो आपका क्या सॉलिड है। अब देखें ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो गया। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हमने जो पहली टाइप पढ़ ली उसके अंदर जो है वो गैस है और गैस को हमने किसके साथ मिलाया है गैस है और फिर उसके साथ लिक्विड भी है और उसके अंदर क्या है बेटा सॉलिड भी है। अब नोट्स में देखें पेज नंबर 1 में जो सेकेंड टाइप है सॉल्यूशन की वो हमारे पास है लिक्विड। अब इसमें देखें जो हमारा लिक्विड है, अब लिक्विड आपको जो नज़र आ रहा है वो लिक्विड मिसाल के तौर पर आपने तौर पर जैसे सीरप है, अब इस सीरप में देखें मिसाल के तौर पर आमतौर पर जो हमारे पास कफ सीरप होते हैं उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कुछ अल्कोहल को मिक्स कर देते हैं, इथाइल अल्कोहल को मिक्स कर देते हैं। तो होता यह है कि जो बुनियादी कंपोनेंट है वो लिक्विड है और उस लिक्विड के अंदर हमने क्या किया हुआ और दूसरे कंपोनेंट को भी क्या करके रखा हुआ है डिजोल्व करके रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सेकेंड टाइप है किसकी लिक्विड की, अब इस लिक्विड में आपको नजर आएगा इस लिक्विड में, अब देखें लिक्विड के टाइप में देख लें कि आपके पास जो सिरप है आमतौर पर सिरप में जो लिक्विड है उसके अंदर बहुत सारे और दूसरे लिक्विड के, जैसे हाइड्रोक्यूनिन है जो आपका कफ सिरप है, हाइड्रोक्यूनिन एक लिक्विड फॉर्म में होता है तो हम उसको क्या करते हैं डिसॉल्व करवा देते हैं। तो इसके अंदर नजर आ रहा है कि आपको दोनों लिक्विड है, सॉल्यूट भी लिक्विड है और हमारा सॉल्वेंट भी लिक्विड है। अब इसकी सेकंड टाइप पर आ जाएं लिक्विड एंड गैस। अब लिक्विड एंड गैस की एग्जांपल आमतौर पर आपने देखा होगा कि आमतौर पर जो क्लाउड्स होते हैं और आमतौर पे जो जब बारिश होती है बारिश के अंदर जो हमारी सरफेस बनती है तो उसके अंदर होता ही है कि हवा तो उसके अंदर मौजूद होती है, हवा के साथ साथ पानी के कुछ वेपर्स भी उसके अंदर क्या होते हैं मौजूद होते हैं। तो ये दूसरी टाइप है जिसके अंदर आपके पास लिक्विड भी है और एयर भी है। अब लिक्विड की पहली टाइप में हमने देखा कि पहला हमारा लिक्विड था, उस लिक्विड के अंदर लिक्विड डिजॉल्व है यानी सॉल्यूट है और क्या है सॉल्वेंट है, यानी सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी हमारा क्या है लिक्विड है। सेकेंड टाइप में देखा कि हमारे पास क्या है लिक्विड भी है, लिक्विड है लेकिन लिक्विड के अंदर क्या है आपके पास एयर आमतौर पे जो आपके पास गैसियस फॉर्म में वो आपका डिसॉल्व है। अब सेकंड जो आपके पास टाइप है वो है लिक्विड एंड सॉलिड। अब लिक्विड एंड सॉलिड की एग्जांपल है ये आपको लिखी हुई नजर आ रही है, आमतौर पे देखा होगा कि आपके पास एमलगम होते हैं जो हम दांत वगैरह को फिल करने में यूज होते हैं। तो होता यह है कि इसके अंदर मरकरी और सोडियम, ये मरकरी और सोडियम एक एमलगम होता है, इस एमलगम के अंदर जो मरकरी है मरकरी आपका लिक्विड फॉर्म में होता है और सोडियम जो है वो आपको मेटेलिक फॉर्म में होता है। जब दोनों का फिजिकली तौर पर कंबाइन करते हैं जो नया सॉल्यूशन आता है उसको हम कहते हैं सोडियम एमलगम। तो इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि एक जो चीज़ है वो आपके पास लिक्विड है
और दूसरी आपके पास क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो इसमें अब आपको नज़र आ गया कि इन तमाम एग्जांपल्स के अंदर जितना भी आपके पास लिक्विड था, लिक्विड आपका किसके तौर पर यूज़ हो रहा था, वो आपका सॉलिड के तौर पर यूज़ हो रहा था, और बाकी जो चीज़ें थी वो सारी की सारी आपके पास क्या थी, सॉल्वेंट के तौर पर, जो आपके पास लिक्विड है वो सॉल्यूट के तौर पर यूज़ हो रहा है और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपका सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ हो रहा है। अब आप थर्ड टाइप में देख लें इसकी थर्ड सॉल्यूशन। अब थर्ड सॉल्यूशन जो आपको नजर आएगा इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। अब नोट्स में देखें इसके अंदर आपको नजर आ रहा है सॉलिड और सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड, यानी आपके पास सॉल्यूट भी जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और सॉल्वेंट भी आपके पास क्या, सॉलिड फॉर्म में। इसकी एग्जांपल है आमतौर पे आपने देखा होगा एलॉयज वगैरह जो होते हैं, जैसे आपके पास आयरन है, आयरन सिर्फ एक मेटालिक फॉर्म होती है, लेकिन जब एक मेटालिक फॉर्म होती है तो उसके अंदर अगर हम दो किसी मेटल को कंबाइन करते हैं या किसी एक मेटल और नॉन मेटल को जब हम कंबाइन करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर स्टील है, स्टील के अंदर जो मेजर कंपोनेंट होता है, मेजर कंपोनेंट आपका क्या होता है, वो आपका जो है वो आयरन का होता है, और उसके अंदर कुछ मिकदार हम कार्बन की भी ऐड कर देते हैं जिससे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आपका स्टील के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस एग्जांपल के अंदर आपको नजर आएगा कि हमारे पास इस सॉल्यूशन की टाइप में क्या मौजूद है, आपके पास लिक्विड भी मौजूद है, सॉरी सॉलिड भी है, और यानी सॉल्यूट जो है वो भी आपका सॉलिड में और सॉल्वेंट भी आपका क्या है, जो है वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। अब इसकी सेकंड टाइप देख लें जिसके अंदर सॉलिड और लिक्विड है। अब सॉलिड और लिक्विड की आमतौर पर सिंपल सी एग्जांपल है, सॉलिड और लिक्विड, मिसाल के तौर पर आपने जो है वो चीनी ली और चीनी को ले जाने के बाद आपने पानी में डिसॉल्व किया, जब आपने पानी में डिसॉल्व किया तो अब देखें इसके अंदर जो आपका शुगर है वो आपके पास क्या सॉल्यूट है और जो पानी है वो आपके पास क्या है, वो आपका जो है वो सॉल्वेंट है। अब इस सॉल्यूशन में, अब इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन के नजर आएगा कि आपके पास जो है वो सॉलिड है और क्या है, लिक्विड मौजूद है। अब थर्ड टाइप इसके अंदर देख लें, थर्ड टाइप जो है नोट्स में देखें आपको नजर आ रहा है सॉलिड और गैस। सॉलिड और गैस आमतौर पर जो स्मोक वगैरह होती है, धुआं वगैरह जो निकल रहा होता है, तो धुआं वगैरह निकलने में होता ये है कि आपके पास जो होता है वो कार्बन होता है और आपके पास जो स्मोक आपको नजर आए, स्मोक के अंदर दो हिस्से होती हैं, एक तो गैसियस फॉर्म होती है और उसके अंदर बहुत ही जो है वो स्मॉल साइज के अंदर कार्बन के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्मोक करते हैं। अच्छा, अभी जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है ये टॉपिक आमतौर पर ज़्यादा पेपर में आता नहीं है, ये सिर्फ आपको MCQs के अंदर ये सवाल आ सकता है, तो इसको MCQs के टर्म में इसकी तैयारी कीजिएगा कि आपके पास जो सॉल्यूट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है खास तौर पर, ये तो डेफिनेशन आ सकती है, लेकिन ये जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ये आमतौर पर जब भी आएगा यह MCQs में आएगा कि आपसे पूछे जाएगा सॉलिड और लिक्विड, इसमें आप बता दें एग्जांपल किस टाइप की है। अब इसके बाद अब आप आ जाएं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हमारे पास अब यहां देखिए अब देखें, अब ये जो टॉपिक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं इसके अंदर एक तो डेफिनेशन आती है और एक न्यूमेरिकल भी आता है जो आमतौर पे दो साल से आपका लॉन्ग के अंदर एक 4 मार्क्स में छोटा और बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, ये 9th में भी आपको पढ़ा होगा। सबसे पहले देखें इसके अंदर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से क्या मुराद है। अब सबसे पहली चीज़ देखिए, हमने अभी सॉल्यूशन को पढ़ा, सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक आपके पास सॉल्यूट है और दूसरा आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है। अब कॉन्सेंट्रेशन से मतलब यह है कि आपके पास सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मिकदार कितनी है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमने चाय बनाई है, चाय के अंदर अगर चीनी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि जो चीनी है क्योंकि वो कम मिकदार में है तो चीनी हमारी क्या होगी, वो सॉल्यूट होगी, और जो पानी है हमारा, पानी हमारा सॉल्वेंट होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्यूशन से मुराद ये है कि आपके पास जो भी अमाउंट है किसकी, सॉल्यूट की, वो कितनी मौजूद है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे कहते हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो ये है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, बाकी आपके नोट्स में भी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये बहुत मुख्तसर करके मैंने आपको लिखी है, तो इसको ज़रा आप समझ लें। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से क्या मतलब है कि एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मिकदार कितनी है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने सॉल्यूशन बनाया, आपने चीनी को पानी में डिसॉल्व किया
तो वो जो चीनी है, अब वो जो शरबत आपका बना है वो कितना मीठा है या उसमें मिठास कितनी ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा है इसका मतलब सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, और अगर क्या है बहुत फीका है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की मिकदार है वो आपके पास क्या है बहुत कम है। अब ये आपको समझ में आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन कि आपके पास सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मिकदार कितनी मौजूद है, तो उसे हम क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए हमारे पास जो है वो कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन से क्या मतलब, क्या मुराद है। स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर हम जब पेपर के, हमारे पेपर होते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आने के लिए हम ये बच्चे को जज करते हैं कि हमारे पास जो है वो बच्चे की जो है वो प्रोग्रेस क्या है, तो हम उसकी परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज क्या है, वो परसेंटेज बुनियादी तौर पर वो तरीका है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब यह है कि कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके, यानी कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी मिसाल और, जैसे मिसाल के तौर पर बहुत जगह दूसरे अगर ओ लेवल्स वगैरह में हैं तो उसके अंदर हम जो है वो उनके अंदर ग्रेड्स होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो ये वो तरीका है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं उसके जो भी मेथड है, यानी उसकी हम ये मालूम कर सकते हैं कि वो बच्चा पढ़ने में कितना अच्छा है, ग्रेड्स जो है वो। तो इसी तरह से ये स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। तो देखें स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन के हमारे पास जो है वो बहुत सारे तरीके हैं। जो हम सबसे पहला तरीका हमारे पास है मोलैरिटी। अब देखें ये मोलैरिटी क्या है, ये हम आगे पढ़ते हैं, अभी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि मोलैरिटी क्या है। मोलैरिटी ये है कि जिसके ज़रिए आप किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास है मोलैरिटी, तीसरा तरीका हमारे पास है नॉर्मेलिटी, और जो चौथा तरीका है वो हमारे पास है फॉर्मेलिटी। और इसी तरह से बहुत सारे और तरीके हैं, लेकिन आपके कोर्स में जो शामिल हैं वो शुरू वाले दो हैं, और पांचवा हमारे पास है परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। अब आप जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो इसमें जो है वो आप सिर्फ दो तरीके पढ़ेंगे, मोलैरिटी और मोलैलिटी। और ये पता होना चाहिए ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये वो तरीके हैं जिसके ज़रिए आप किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ, किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन क्या है, मैथड, स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन क्या है, मैथड टू रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मेथड टू रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो कहलाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के सारे तरीके हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो आमतौर पर न्यूमेरिकल आता है वो इसके दो टाइप्स हैं, इसको हम इंशाल्लाह पढ़ लेते हैं। नॉर्मेलिटी आपके फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स के अंदर ही आता है आमतौर पर, यह आपके कोर्स में नहीं है, तो सिर्फ अभी हम आपको दो पढ़ाएंगे। अब इस दो को हम पढ़ लेते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब देखें सबसे पहला तरीका जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं मोलैरिटी। अब सबसे मुख्तसर करके इसको मैं बताता हूं मोलैरिटी के। अब सबसे पहले देखें हम मोलैरिटी मालूम करने जा रहे हैं किसकी, सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक है आपके पास सॉल्यूट है, एक हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में दो चीज़ें, एक आपके पास सॉल्यूट है और दूसरा हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। तो सबसे पहले याद रखें हमारे पास एक है सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर, और एक हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट।
अब इसको देखें, अब देखें हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि आमतौर पे हमने जो सॉल्यूशन लिया, ये हमारे पास बीकर है और ये बीकर हमारे पास कितने का है, फर्ज करें ये हमारे पास 1000 ml का है, 1000 ml मीन 1 लीटर, ये 1 लीटर का सॉल्यूशन मौजूद है, ठीक है। अब सपोज हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिकुलर मास होता है वो होता है 40 amu, ये मॉलिकुलर मास है, ये मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है। अब इसमें देखें जो इसका मोलर मास होता है, अब आपको पता है जब भी एटॉमिक मास मॉलिकुलर मास को अगर हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, तो वो किसके बराबर हो जाता है, वो बेटा वो बराबर हो जाता है किसके, मोलर मास के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हमने क्या किया, ये जो 40 ग्राम है, ये जो 40 ग्राम बराबर होंगे ये किसके बराबर होंगे बेटा, ये बराबर होंगे 1 मोल के, ठीक है। दो चीज़ें याद रखें, क्या कोई भी जो हमारे पास सॉल्यूट है जो कम मिकदार में मौजूद है उसका मॉलिकुलर मास निकालेंगे, मॉलिकुलर मास जो भी है वो ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो मोलर मास बन जाएगा, और जब मोलर मास बनेगा तो वो बराबर हो जाएगा किसके बेटा, 1 मोल के। अब इस 1 मोल में देखें कि हमने क्या किया, 1 मोल लिया और उस 1 मोल को ले जाके 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया, तो वो जो हमारा सॉल्यूशन बनता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, 1 मोलर सॉल्यूशन है, मतलब 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्वेंट, ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, और इसका फॉर्मूला देख लें क्या होगा बेटा, ये होगा मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल, 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा किसके बेटा, 1 मोलर के, और इसका यूनिट हम इससे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 1 मोलर के। तो मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी ये है कि इसके अंदर हमारा, अब देखें इसके अंदर सॉल्यूट, अब इसमें देखें जो सॉल्यूट है वो हम किस में ले रहे हैं, ग्राम्स है, और हमने इसको मोल में कन्वर्ट किया, ये तो हमारा देखें ये ग्राम्स में। अब सॉल्वेंट देखें किसके अंदर है, लीटर में ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारा किसके अंदर मौजूद है, ये हमारा ml के अंदर मौजूद है। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या बनी कि आपने क्या किया, किसी भी सॉल्यूट का 1 मोल लिया और उस 1 मोल को ले जाके 1 लीटर में जाके डिसॉल्व कर दिया, तो वो बराबर हो जाएगा किसका बेटा, 1 मोल के। अच्छा, अब अगर ऐसा होता कि ये हमारे पास है 40 ग्राम, अगर मैं इसके लेता 20 ग्राम, अब इस 20 ग्राम को मैं ले जाके डिसॉल्व करता, तो इसका मतलब क्या है, 20 ग्राम का मतलब क्या है, ये 0.5 मोल है। जब बेटा ये 0.5 मोल है तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा सॉल्यूशन होता वो हमारा क्या होता बेटा, 0.5 मोलर होता। यानी जब आपके पास 1 मोल मौजूद है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास 1 मोलर है, अगर 0.5 मोल्स हैं तो 0.5 मोलर हैं। अब मसला हमारे पास ये है कि अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है, अभी तो मुझे पता है कि भाई 40 ग्राम में 1 मोल है, अगर फर्ज करें मुझे सॉल्यूशन दे दिया जाए 1 ग्राम दे दिया जाए, अब हम 1 ग्राम को कैसे बताएंगे, तो इसके लिए हमें जारी से बात है एक किसकी ज़रूरत है, एक फॉर्मूले की ज़रूरत है। अब हम वो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए जा रहे हैं, उस फॉर्मूले को जो है वो ड्राइव करते हुए आप देखेंगे, और उसी फॉर्मूले को हमने आगे न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ करना है। ये दोबारा क्या बताया था, मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी जो है वो एक मेथड है जिसके ज़रिए आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी में क्या होता है, क्योंकि हम किसी सॉल्यूशन की मालूम कर रहे हैं, तो इसमें आपका सॉल्यूट भी है और इसके अंदर क्या बेटा, सॉल्वेंट भी मौजूद है। सॉल्यूट आपने किसी भी जो भी चीज़ है उसका 1 मोल लिया और उस 1 मोल को ले जाके हमने डिसॉल्व कर दिया किसके अंदर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, तो वो सॉल्यूशन बन गया हमारा किसका, कितने का, 1 मोलर का। अगर हमने 0.5 मोल लिए तो 0.5 मोल ले जाने में क्या होगा कि वो जो सॉल्यूशन है वो किसका बन जाएगा, 0.5 मोलर का बन जाए। अब मसला ये है कि अगर हमें 2 ग्राम दे दिया, 3 ग्राम दे दिया या 5 ग्राम दे दिया, अब सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, अब हमने ये डिटरमाइन करना सीखना है। अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ और ये नोट करें कि ये जो फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है, इस फॉर्मूले के अंदर आपके पास वॉल्यूम लीटर के अंदर होना चाहिए। अब लीटर में होना चाहिए, अब मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा कि मेरे पास जो है वो 1 मोल तो है, लेकिन वो 1 मोल जो है वो है 100 ml के अंदर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ तो हमारे पास क्या है, लीटर है, तो इसका मतलब क्या है, हमें एक ऐसे फॉर्मूले की ज़रूरत है जो हमें मज़ीद सिंप्लीफाई करके चीज़ों को बता सके, यानी एक ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर हमारे पास जो हो वो जो वॉल्यूम है वो आपका ml में भी हो और जो हमारे पास सॉल्वेंट है उसके ग्राम्स भी क्या हो, मौजूद हो। अब हम जो ड्राइव करने जा रहे हैं वो हम नेक्स्ट फॉर्मूला मोलैरिटी के ड्राइव करने के लिए जा रहे हैं। अब इसमें देखिए,
अब ड्राई बिल्कुल इसी तरह से ही होगा, इसमें ही देख लें। सबसे पहले देखें बेटा मोल, मोल का आपको पता है, मोल आपको पता है मोल का फॉर्मूला क्या था, मोल इजिकल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय फॉर्मूला मास मॉलिक्यूलर मास जो भी आपके पास मौजूद है। तो ये देखें, ये तो आपके पास किसका फॉर्मूला है, मोल का फॉर्मूला है। अब यहां जो इंपॉर्टेंट चीज समझने की ना, वो यहां समझने की है लीटर। अब फर्ज करें मेरे पास है 500 ml, अब इस 500 को मैंने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, लीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जाहिर सी बात है मैं क्या करूंगा, इसको 500 ml, सबसे पहले देखें हमारे पास, सबसे पहले इस चीज को देखें हमारे पास है 1000 ml। अब 1000 ml का मतलब क्या है, ये किसके बराबर है, 1 लीटर के बराबर है। अब 1 लीटर इसका मतलब ml से लीटर में जाने के लिए आपने क्या कर देना है, इसको 1000 से डिवाइड कर देना है। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, 1 लीटर के अंदर। अब यहां पर देखें अगर हमारे पास क्या हो, 500 ml हो, क्या हो, 500 ml, तो 500 ml होने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, इसको 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.5 लीटर, ठीक है। अच्छा अगर फर्ज करें मेरे पास हो 200 ml, तो मैं क्या करूंगा, यहां इसको 1000 से डिवाइड करवा दूंगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.2 लीटर। तो बेटा यहां एक चीज आपको जो समझ में आनी चाहिए वो ये समझ में आ जानी चाहिए कि जो पहली चीज बेटा आपको समझ में आना चाहिए वो ये है कि अगर आपके पास क्या हो, वॉल्यूम इन ml हो, वॉल्यूम इन ml में दिया गया है, वॉल्यूम इन ml, ठीक है। अब वॉल्यूम इन ml में दिया गया, अगर आप इसको 1000 से डिवाइड करवाओगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, लीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप समझ लें इसको सिर्फ। देखें ml में था, हमने 1000 से डिवाइड करवाया, लीटर में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा वॉल्यूम था 500 ml, 1000 से डिवाइड करवाया, लीटर में कन्वर्ट हो गया। 200 ml था, 1000 से डिवाइड करवाया, किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, वो लीटर में कन्वर्ट। इसका मतलब जो वॉल्यूम इन ml को डिवाइड करवाओगे किसे 1000 से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, लीटर से। अब यहां पर आ जाइए, अब यहां देखिए, अभी हमने जो फॉर्मूला देखा है वो फॉर्मूला देखा है मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल डिवाइड बाय 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखें अभी हमने बताया कि मोल किसके बराबर है, मोल बराबर है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय फॉर्मूला मास। तो यहां हम लिख देंगे क्या, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय फॉर्मूला मास। अब मैं सिर्फ इधर फॉर्मूला मास लिख रहा हूं, आप जो भी यूज हो वो आप यूज कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए लीटर, अब देखें ये लीटर है, अब हमने भी ड्राइव किया कि लीटर किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय 1000, यानी लीटर किसके बराबर है, वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय 1000। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय 1000। अब देखें ये डिवाइड बाय 1000 होगा, तो अब यहां सिर्फ देख लें कि हमने क्या किया है कि इस मोल, ये जो चीज है ये क्या था, ये मोल था, तो हमने मोल की जगह इसको सब्स्टिट्यूट करवा दिया। अच्छा अब यहां देखें ये क्या है, ये कहां से है, इसको हमने क्या किया, लीटर से हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट करवा दिया। अब यहां देखें जो मोलैरिटी का फॉर्मूला बनेगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला आप देख लीजिए, ये मैथमेटिक्स है सिंपल सी। तो मोलैरिटी में ये होगा कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सब्सटेंस, फॉर्मूला मास। अब देखें बेटा ये डिवाइड हो रहा है, अब देखें ये दो पूरी की पूरी चीजें यहां पे डिवाइड हो रही है, तो जब डिवाइड हो रही है ऊपर जाएगी तो ये बेटा मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml, ये हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के जरिए हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी को क्या कर सकते हैं बेटा, मालूम कर सकते हैं। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें, ये मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक दफ़ा दोबारा सुने इसको, तो इंशाल्लाह ये आपको आसानी से जो है वो इसको बार बार सॉल्व करें, डेरिवेशन करें,
तो यह इंशाल्लाह आपके जहन में बैठ जाएगा। इसके बाद आप आ जाएँ, अब हम करने जा रहे हैं इसका एक न्यूमेरिकल जो आम तौर पे पेपर के अंदर आता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब देखें ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, इसको हम कर लेते हैं। सबसे पहले देख लें इसका आप डेटा बना लीजिए। आप डेटा बनाने में देख लें, सबसे पहले डेटा बना लीजिए, डेटा में देख लें हमारे पास, देखें इसके अंदर दो चीज़ें हैं आपके पास जो है वो 4 ग्राम ऑफ NaOH। इसका मतलब जो हमारे पास, अब देखें NaOH क्योंकि कम मिकदार में है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सॉल्यूट होगा वो हमारा NaOH होगा। और देखें ये 100 ml के अंदर मौजूद है, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो मास ऑफ NaOH है वो हमारे पास कितना है, वो आपका 4 ग्राम है। अब इसका मॉलिकुलर मास निकाल लें, इसका फॉर्मूला मास ऑफ NaOH, फॉर्मूला मास ऑफ NaOH जब आप निकालेंगे तो देखें सोडियम का 23 होता है, 16 + 1 तो ये हो जाएगा आपका 40 AMU, और इसको ग्राम पर मोल में कर लिख लेंगे। अब इसमें देखें वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, अब देखें ये हमारे पास कितना है, 100 ml है, ठीक है। मोलैरिटी हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। अब देखें सिंपल सा हमने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ करना है, ठीक है। इसमें ले जाके तमाम वैल्यूज़ को आपने पुट कर देना है। अब देखें मास ऑफ सब्सटेंस, यानी मास ऑफ सब्सटेंस का मतलब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, मास ऑफ NaOH आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला मास ऑफ NaOH। अब इस फॉर्मूले को लेके आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर देख लें, मास ऑफ सब्सटेंस हमारे पास क्या बेटा, 4 ग्राम है, मल्टीप्लाई बाय 1000, फॉर्मूला मास इसका है 40, और वॉल्यूम इन ml हमारे पास क्या है, 100 है। अब इसको आप कैंसिलेशन करवा लें, इसको अब आप सॉल्व कर लें। इसको आप सॉल्व करवाएंगे तो ये इसकी मोलैरिटी बन जाएगी। इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है।